This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Sayyid Ali Chabutra near Shah Ghaz Hotel. Assalamualaikum नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल A18 तेलंगाना न्यूज़ के ख़ास खबरनामे पर। आज 21 अक्टूबर जुमेरात यानी थर्सडे का दिन है। आए नाजरीन देखते हैं आज का ख़ास खबरनामा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वार्निंग जारी की गई। हैदराबाद के शहरियों के लिए अब जो भी बिना हेलमेट के बाइक चलाएगा उन पर सख्ती के साथ चालान आयक किया जाएगा। बाइक चलाने वाले और पीछे बैठने वाले साथी को हेलमेट पहनना अहम होगा, वरना चालान किसी भी हाल पर आयद किया जाएगा उन पर। हैदराबाद सिटी पुलिस ने यह फैसला इसलिए किए क्योंकि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क हादसात पेश आ रहे हैं और हेलमेट से इंसान की जान बचाई जा सकती है। ट्रैफिक रूल फॉलो करें और चालानात से बचें। MV एक्ट 1987 के मुताबिक बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर 100 रुपये का चालान होता है। अगर कोई शख्स बिना हेलमेट के गाड़ी चलाता है तो उन पर ऑनलाइन चालान आयद किया जाएगा 100 रुपये का। साथ ही कई शहरी COVID-19 प्रोटोकॉल्स के खिलाफ फर्जी कर रहे हैं और मास्क नहीं पहन रहे हैं। डिपार्टमेंट ने साथ ही मास्क और हेलमेट लाजमी कर दिए हैं, वरना चालानात आयद किए जाएंगे। सर्वेलेंस कैमरास एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मास्क नहीं पहने वालों को पकड़ा जाए और उन पर चालानात आयद किया जा सके। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान को भारतीय जनता पार्टी निशाना बनाने के बाद अब BJP पार्टी आमिर खान को निशाना बना रही है। आमिर खान ने एक एडवर्टाइजमेंट वीडियो के साथ काम किए थे टायर मेजर CR लिमिटेड के साथ, जहां देखा जा सकता है आमिर खान लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि पटाखे रोड पर ना फोड़े जिससे नुकसान होता है। जिसके बाद इस पर सवाल उठाते हुए BJP MP अनंत कुमार ने कहा कि कंपनी को ये भी दिखाना चाहिए कि नमाज होने के बाद मस्जिद के बाहर मुसलमानों की भीड़ होती है जिससे ट्रैफिक जाम होता है, साथ ही नॉइस पॉल्यूशन भी होता है। BJP MP अनंत कुमार ने कहा कंपनी को, जिसके बाद कंपनी के MD और VEO वर्धन ने जवाब देते हुए कहा कि ये एडवर्टाइजमेंट की वजह से अगर हिंदू टारगेट हो रहे हैं तो आगे से ध्यान रखा जाएगा कि कंपनी हिंदू के रीति रिवाज के खिलाफ नहीं बोले और उनकी इज्जत करेंगे। इंडिया 100 करोड़ वैक्सीनेशन मुकम्मल करने पर तेलंगाना के 4 तारीखी इमारतों को रोशन किया गया। ASI ने 4 कदीम और तारीखी इमारतों को रोशन किए, जिसमें शामिल चार मीनार, गोलकुंडा फोर्ट, वरंगल फोर्ट और रामप्पा मंदिर। इन 4 कदीम इमारतों को रोशन किया गया इंडिया भर में 100 करोड़ वैक्सीनेशन मुकम्मल होने की खुशी पर। तेलंगाना हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत की तारीफ की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना के शहरियों के लिए जिद्दोजहद करते हुए कोरोना वायरस के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुकी है। तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस के केसेस काबू में हैं, जिसके चलते तेलंगाना हाईकोर्ट ने ऐलान किया कि अब तेलंगाना हुकूमत इजाज़त दे सकती है रेजिडेंशियल स्कूल्स गुरुकुल्स खोलने की, जो वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से चलाए जाते हैं। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया बुध के दिन तेलंगाना हुकूमत तैयार है जंग लड़ने ड्रग लेने वालों के खिलाफ, और साथ ही CM KCR ने हिदायत दी पुलिस और एक्साइज ऑफिशियल को कि गैर कानूनी ड्रग इस्तेमाल या मारिजुआना जैसे नशीले पौधे को उगाना गैर कानूनी है और उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही CM KCR ने हिदायत दी कि एक खास टीम तैयार की जाए ऑफिसर्स की, जिसे डायरेक्टर जनरल रैंक ऑफिसर की निगरानी में चलाया जाएगा। गांजा, नशा, मारिजुआना ड्रग व दिगर नशा करने वालों पर सख्त एक्शन लेंगे। तिगलगुंडा के इलाके में एडिशनल DCP सैयद रफीक और उनके साथ 200 पुलिस ऑफिसर्स कॉर्डन सर्च किए तिगलगुंडा के इलाके और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में, क्योंकि शहरी लगातार शिकायत कर रहे थे कि उनके इलाके में कुछ जुर्म होने का अंदेशा है। साथ ही राउडी शूटर्स की काउंसलिंग भी की गई। शहर हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है। आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली के मसाले के साथ नहरी पाए, सी फूड्स मोटन के कई सारे आइटम्स, चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन बिरयानी, हंडी और दिगर लजीज डिशेस दस्तियाब है। ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे, यहाँ AC डाइनिंग हॉल की सहूलत है, साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तियाब है। बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है, 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है। मजीद तफसलात के लिए रابطہ करें
9290127152 या 9010085141 पर। हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है, स्विगी जोमैटो पर भी हम मौजूद है। फलक रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी, फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज, चिकन, बिरयानी, ईरानी चाय। एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक, आसिफ नगर।